महाराष्ट्र के पुणे के कोरेगांव भीमा में पहले एक लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई अंग्रेजी राज और पेशवा राज के बीच हुई थी। इस लड़ाई में पेशवाओं के हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेज ये युद्ध कभी न जीत पाते अगर उनका साथ दलित न देते। पेशवाई शासन में दलितों की स्थिति ठीक नहीं थी। हिंदू समाज कई हिस्सों में बढ़ चुका था और अंग्रेजों ने इस टूट का भरपूर फायदा उठाया था। दलितों की स्थिति खराब होती जा रही थी, ऐसे में उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना। अंग्रेजों ने समाज में फैली अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने दलितों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा। सम्मान की खातिर दलितों ने इस आमंत्रण को कबूल कर लिया। उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत दर्ज की। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास 28,000 सैनिक थे, जबकि दलितों के पास सिर्फ 500 से 800 सैनिक ही थे। भीमा नदी के पास हुए युद्ध में दलित सेना ने पेशवाई सेना पर जीत हासिल की। इस घटना को इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि पेशवा समझ ही नहीं पाए कि सामने वाली सेना युद्ध करेगी या नहीं। साथ ही उनको ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दलित सेना उनके साथ युद्ध कर सकती है। ऊपर से अंग्रेज अफसरों का नेतृत्व में दलित सेना के साथ होना, दलित आधारित बंटवारे में देश को आज तक सिवाय नुकसान के क्या मिला है। 200 साल पहले भी विदेशी अंग्रेजों ने इस लड़ाई का फायदा उठाया था। आज भी अगर हालात बिगड़ेंगे तो देश विरोधी तत्व इसका फायदा उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्पल न्यूज़।